कि वो बैठे। आदरणीय सिंघल जी, आदरणीय गुप्ता जी, उपस्थित सभी आत्मीय भैया बहन, आचार्य आचार्यगण, नागरिक सज्जन, माता भगिन, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हम बहुत आनंद से, उत्साह से, अपने सुंदर प्रदर्शनों से इस गणतंत्र दिवस को अपने स्थान पर संपन्न कर रहे हैं। ऐसे समय एक आनंद उत्साह स्वाभाविक होता है। हम स्वतंत्र हो गए, इतना ही नहीं, स्वतंत्रता के बाद हमने अपने पथ को निश्चित किया, हम गणराज्य बने, उसका एक संविधान बना, वो नवंबर में संसद में सारी जनता के लिए समर्पित किया गया और 26 जनवरी गणराज्य दिवस से हम एक सार्वभौम गणसत्ता के रूप में दुनिया के नक्शे पर अपना जीवन चलाने लगे। ये पूरा 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 तक का जो कालखंड है उसको अगर हम स्मरण करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है हमें क्या करना है। इन दोनों दिनों पर हमारी सार्वभौम प्रभु सत्ता का प्रतीक तिरंगा हम उत्साह, आनंद और अभिमान से फहराते हैं। उस तिरंगे में ही हमारा गंतव्य निहित है। हमको भारत को भारत के नाते दुनिया में बड़ा करना है और उस भारत के प्रकृति का परिचायक केसरिया रंग अपने राष्ट्रध्वज के मूर्धन्य स्थान पर विराजमान है। वो हमारे सनातन जीवन का प्रतीक इसलिए है कि हमारे यहां जो त्याग की परंपरा है, ज्ञान के प्रकाश में रत होने के कारण हम भारत कहलाते हैं, उस ज्ञान की परंपरा है और सतत कर्मशीलता का परिचायक उगते हुए सूर्य के साथ जो रंग आता है, जो मनुष्य को जगकर अपने काम में सक्रिय होने की प्रेरणा देता है, ये ज्ञान, त्याग और कर्मशीलता का प्रतीक भगवा रंग है, केसरिया रंग है। हमारा संकल्प है कि शतकों की मोह निद्रा का तमस त्याग कर, पारतंत्र की श्रृंखलाएं तोड़कर एक गणराज्य के नाते हम अपने देश को ज्ञानवान लोगों का देश बनाएंगे, त्यागी लोगों का देश बनाएंगे और दुनिया के हित में सतत कर्मशील रहने वाले लोगों का देश बनाएंगे। ये लोग कोई दूसरे नहीं है, हम ही, हम भारत के लोग हैं, हमको ऐसा बनना है। इसके साथ साथ ये सक्रियता, त्याग और ज्ञान व्यक्ति में रह सकता है लेकिन उसकी कोई दिशा चाहिए। दिशा नहीं है तो ज्ञान घातक होता है, विद्या विवाद का कारण बनती है, शक्ति दुर्बलों को कष्ट देने का कारण बनती है और इसलिए उसकी दिशा निश्चित है। उसके लिए सर्वत्र पवित्रता का प्रतीक सफेद रंग, वो हमारे ध्वज में है। दूसरा रंग है, हमको अंतर्बाह्य शुचिता से युक्त बनना है और जो अंतर्बाह्य पवित्र है वो कभी दूसरों का भला बुरा नहीं चाहता है, भला ही करना चाहता है। उसके अंतःकरण में दूसरों के प्रति पराया पन नहीं रहता,
अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसा। अपवित्रता से लघु बुद्धि हो जाते हैं, मेरा तेरा ऐसा करते हैं। लेकिन जो उदार बुद्धि से शुद्ध मन से आगे बढ़ते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, वो तो सबको अपना मानकर चलते हैं। इस पवित्रता का और अपनेपन का प्रतीक ये शुभ्र रंग, हमको ऐसा बनना है। और इससे क्या होगा, तो सर्वत्र समृद्धि आएगी। रोटी पकड़ा कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा अतिथि सत्कार, किसी बात की किसी को कमी नहीं रहेगी। पर्यावरण का वैभव जिसका क्षरण हो रहा है वो वापस आ जाएगा। नदियां भरपूर बहती रहेगी, वृक्ष फल औषधियां अपने अपने उत्पाद से जीवन सृष्टि का समृद्ध करते रहेंगे। वर्षा जब चाहिए जितनी चाहिए जहां चाहिए तब उतनी वहीं पर होगी, कम या ज्यादा नहीं होगी। जहां नहीं चाहिए वहां नहीं होगी, जब नहीं चाहिए तब नहीं होगी। कालो वर्षति पर्जन्याम पृथ्वीम सस्य शालिनीम, और उसके कारण देश में सर्वत्र शोभ रहितता रहेगी, क्योंकि अभाव कुछ नहीं है। और जब ऐसा होता है तब स्वाभाविक मन की अमीरी का आना भी आसान होता है। मन किसी का द्वेष नहीं करता, मत्सर नहीं करता, किसी से शत्रुता नहीं पारता, सबको सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस समृद्धि का लक्ष्मी जी का प्रतीक ये हरा रंग है। ये हमारा गंतव्य है और यही हमको बनना है। बनना है तो क्या करना है, तो संविधान सभा के पूर्ण विचार विनिमय के बाद बना हुआ संविधान लोकार्पण करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो दो भाषण संसद में किए हैं, आज के दिन हम सबको उनको एक बार पूरा पढ़ना चाहिए। उन्होंने हमारे कर्तव्य क्या है ये बताया है। उन्होंने बताया है कि अब देश में किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं है, रूढ़िगत गुलामी भी नहीं है। अंग्रेज भी चले गए लेकिन सामाजिक विषमता के चलते जो गुलामी आई थी उसको हटाने के लिए राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता का प्रावधान हमारे संविधान में कर दिया गया है। तो समानता पहली बात उन्होंने कही, हमको कैसा हो रहा है समानता का व्यवहार करना है, और हमको स्वतंत्रता का भी सम्मान करना है। मैं स्वतंत्र बोलूं लेकिन मेरे साथ सब स्वतंत्र है, ये भी मैं ध्यान में रखा। मेरी स्वतंत्रता के लिए दूसरों की स्वतंत्रता का संकोच हम नहीं कर सकते, वो स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन दुनिया का अनुभव ऐसा है कि जहां स्वतंत्रता लाना चाहते हैं वहां समता का संकोच करना पड़ता है, और जहां समता समानता लाना चाहते हैं वहां स्वतंत्रता नहीं रहती। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा अपना देश आपस में लड़कर गुलाम हो गया किसी दुश्मन के सामर्थ्य के कारण नहीं, हम लोग आपस में लड़कर इसलिए गुलाम हो गए, हमारा बंधुभाव समाप्त हो गया। स्वतंत्रता और समता एक साथ लानी है तो दूसरा इलाज नहीं बंधुभाव लाना चाहिए, इसलिए लिबर्टी और इक्वालिटी के साथ फ्रेटर्निटी यह शब्द हमारे संविधान में है। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि उस बंधुभाव को संपूर्ण देश में प्रचलित करना पड़ेगा। अलग अलग विचारधाराओं के मानने वाले हम लोग संसद में अपने अलग अलग शिविर बनाकर यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, यहाँ तो ठीक है प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में इसी में से संवाद बनता है, इसी में से सहमति निकलती है। परंतु ध्यान रखना चाहिए कि संपूर्ण समाज जो हमारा विविधता युक्त समाज है, विविधता के बावजूद वो बंधुता से युक्त होता है, तो
तो स्वतंत्रता के साथ समानता की गारंटी बनती है और अपने इस बहुत कष्टों और बलिदानों के बाद प्राप्त हुए स्वातंत्र्य की रक्षा और अमरता की भी गारंटी बनती है। वो गारंटी देने का काम कोई और नहीं करेगा, हमको अपने से प्रारंभ करना पड़ेगा। गणराज्य दिवस के आनंद में, उत्साह में आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और मैं ऐसे आपके सामने एक विचार रखता हूँ कि इन बातों का स्मरण भी हमको साथ साथ करना चाहिए। इन बातों के मामले में अगले गणराज्य दिवस तक हम कितना आगे बढ़ेंगे अपना अपना संकल्प लेना चाहिए और उसकी पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो इस गणराज्य दिवस को हमने पूर्णता के साथ संपन्न किया ऐसा होगा। हर गणराज्य दिवस आपको उस समारोह की संपन्नता में इस पूर्णता का अनुभव कराए, ऐसी शुभकामना आपको देता हूँ और मेरे शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा की। अब मैं